अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इंसिडेंट डिटेल सर। ब्रह्मपुरा थाने के संजय सिनेमा के पास में दो बुजुर्ग दंपत्ति की घर में उनके किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार करके हत्या कर दी गई है। इस मामले में पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बहुत देर तक एफएसएल डॉग स्क्वाड सब कुछ तो कारण समझ में आना चाहिए थे। अभी तक के हम लोग फैमिली मेम्बर्स से संपर्क में हैं और उनसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जो क्राइम ऑफ सीन देख के लग रहा है कि मुख्य दरवाजे से ही जो भी व्यक्ति है उसे अंदर एंटर किया है और उसके बाद में ये इंसिडेंट हुआ है। तो फैमिली मेंबर्स में घर में जो लोग काम कर रहे थे उन लोग से बातचीत करने के बाद ही उन लोग आगे किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे और उसी अनुसार से FIR करेंगे। सराउंडिंग सीन्स वगैरह खाना पीना बना क्या कुछ ऐसा कुछ समझ में आया? अभी तक के जो क्राइम ऑफ सीन हम लोगों को नज़र आ रहा है उस हिसाब से ये लगता है कि इंसिडेंट कल की रात के बाद में हुआ है। घर में कुछ खाने पीना रात का नहीं बना, ना मॉर्निंग में कोई चीज़ बनी है। तो ऐसा लगता है कि कल शाम के बाद में 8 बजे के बाद में हुआ है। बाकी FSL रिपोर्ट और पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट मोबाइल वगैरह कुछ घर से 2 मोबाइल अभी तक के नहीं मिले हैं और दोनों कल शाम से ही स्विच ऑफ आ रहे हैं। इसमें आगे स्कूटी घर में एक स्कूटी थी जो कि बरामद हुई है, पुलिस ने उसे बरामद किया है और उसको भी हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाएंगे। डॉग स्क्वाड से कोई सफलता मिली? वो जो भी हैंडलर है हम लोग उसमें आगे पूछताछ कर रहे हैं। FSL टीम से भी हम लोग लगातार संपर्क में हैं और उन लोगों ने भी कई हम लोग को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो इन्वेस्टिगेशन का आधार बनेगा। चैलेंज दे रहा है सर, हम लोग के बावजूद शहर क्राइम ऑफ जैसा भी इंसिडेंट हुआ है, जो भी इंसिडेंट हुआ है उसमें पुलिस लगातार केस बाय केस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और हर केस को जो है उसके अपने नेचर के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। तो उसी अनुसार काम कुछ टाइम फ्रेम सर किसी तरीके का कोई पुलिस की जितनी भी टीमें हैं लगातार अपना काम करेंगी और जो भी है हम लोग कोशिश करेंगे सारे जो भी केस है केस को जल्दी से जल्दी करा सकते।